हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रीना दांगी और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है मेटल्स की। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। डेफिनेशन की जगह प्रॉपर्टी लिखोगे तो मार्क्स भी आपको जो आंसर आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि डिफाइन मेटल और अगर आप लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे आपकी बुक्स टेक्स्ट बुक में भी ये डेफिनेशन दी हुई होगी। एक बार हम देखते हैं क्या होती है डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होंगी, इट कैन, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। आप कहीं से भी टेक्स्ट बुक में या आपकी स्कूल टीचर ने या आपके ट्यूशन टीचर ने आपको जिस वे में लिखाया है आप उसे याद कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल वे में ब्रेन में मेमोराइज करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेगी। इट कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन, एंड गेट पॉजिटिव चार्ज। जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यानी डोनेट कर देते हैं, उनके पास कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लिख सकते हैं इट कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन या डोनेट, इसकी जगह हम डोनेट भी लिख सकते हैं, एंड गेट पॉजिटिव चार्ज। कॉल्ड मेटल्स, इट कैन की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन। इट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट। तो नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एलिमेंट, यहां लिख लेते हैं हम नॉन मेटल एलिमेंट। अब यहां पर मेटल्स क्या कर रही थी, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही थी या डोनेट कर रही थी, तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो एलिमेंट, दोज एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एलिमेंट and get negative charge, called non-metals. इतना समझ में आया आपको कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं या डोनेट कर देते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उन सभी एलिमेंट को कहा जाता है मेटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी किसी ने डोनेट किया है और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्हें सबको हम कहेंगे नॉन मेटल्स, बिकॉज उनके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उन्होंने किसी से लिया है इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा हमको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी हम किसी भी कोई सा भी टॉपिक का एग्जाम में उसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल हमें लिखना ही है, अदरवाइज वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो आप दोनों में जो भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में याद हो वो लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, एग्जाम्पल सोडियम मेटल। सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+। यदि आप इस डेफिनेशन में एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो या तो आप वर्ड्स में सोडियम मेटल लिख दीजिए या Na+ करके भी बता सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोरीन, सोडियम से ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों को कंपेयर करके मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो पहले हमने किसी भी मेटल्स को या अपने घर में जितने भी बर्तन होंगे उनको छूकर आपने सभी ने देखा होगा वो कैसे फील होते हैं छूने में, हार्ड फील होते हैं हमें
तो मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हार्डनेस या हार्ड। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? हार्ड। या डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जनरली जनरली हार्ड। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम, कॉपर, उसके अलावा जितने भी गहने ये ज्वेलरी बनाई जाती है वो भी मेटल्स की होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मेटल्स है ना। कुछ एक्सेप्शन है इसके, सोडियम मेटल्स, ये क्या होती है? जनरली सॉफ्ट होती है और इसको हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नाइफ वी कैन कट सोडियम मेटल्स। ये हार्ड क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए ये कैसी होती हैं? हार्ड होती है। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके बीच में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू मेटल्स क्या होगा? कम होगा। तो पार्टिकल्स के बीच में गैप प्रेजेंट होगा, इसीलिए क्या होंगे? सारे के सारे नॉन मेटल्स हार्ड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तीनों स्टेट में पाई जाती है। कुछ मेटल्स क्या ये क्या रहेंगी? जनरली हार्ड नहीं रहेंगी। जो नॉन मेटल्स रहती हैं वो हार्ड नहीं होती, बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। तो क्या लिख देंगे? जनरली नॉट हार्ड। लस्टर मीन्स होता है शाइनी प्रॉपर्टी या शाइन्स। जितनी भी मेटल्स होती हैं, कॉमनली सभी मेटल्स के पास शाइनी प्रॉपर्टी होती है। उनकी जो आउटर सरफेस होती है वो शाइनी दिखाई देती है ना, कोई भी जो मेटल्स हम लेके आते हैं, इसीलिए तो गहने भी उन्हीं के बनाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? जनरली मेटल्स आर लस्टर। एग्जाम में आपको डिफरेंस बिटवीन भी आता है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, और अलग से अगर पूछा जाए कि मेटल्स व्हाट इज मेटल या डिफाइन मेटल्स एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज, तो भी आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स लस्टर होती है, यानी कि उनकी शाइनी प्रॉपर्टी होती है, और जब उनपे पॉलिश कर दी जाती है उनके आउटर सरफेस पे तो वो क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है। रिफ्लेक्शन, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की उनके पास पावर होती है। एक्सेप्शन होता है इसका, एक्सेप्शन होगा जो लैड मेटल्स होती है जिसका सिंबल होता है पीबी। ये जनरली इसका जो अपीयरेंस होता है ये थोड़ी सी डल दिखाई देती है, तो डल अपीयरेंस हम लिख सकते हैं एक्सेप्शन के अंदर। नॉन मेटल्स में देखते हैं अब, डल होती है। जैसे मेटल्स क्या होंगी? जनरली शाइनी प्रॉपर्टी होगी, बट जो नॉन मेटल्स होती है उनमें लस्टर की प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शन है इसके, एक्सेप्शन में आ जाएगा डायमंड। डायमंड क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सेम ऐसे ही ग्रेफाइट भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। एंड आयोडीन, आयोडीन पता होगा हम, नमक के अंदर प्रेजेंट होता है आयोडीन, और उसकी कमी से गोइटर नामक डिसीज हो जाता है। तो एक्सेप्शन में आ जाएगा आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड, दोनों की शाइनी प्रॉपर्टी होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की भी इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम, बट ये नॉन मेटल्स होते हुए भी इसमें शाइनी प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट। यानी कि हमने दो प्रॉपर्टी देखी, पहला देखा था हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड बट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। एंड लस्टर, तो मेटल्स कैसे होते हैं? उनके आउटर सरफेस शाइनी होती है, और यदि उनपे पॉलिश कर दी जाए तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन करती है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, गोल्ड लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम, और एक्सेप्शन में लिख दीजिएगा जो लैड यानी पीबी इसका सिंबल है, इसमें डल अपीयरेंस होता है। नॉन मेटल्स जनरली डल होती हैं, बट आयोडीन्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट्स शाइनी प्रॉपर्टी होते हैं, तो इनमें लिख सकते हैं दे आर लस्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम, मेटल कैसे
दिखाई देती है जब भी हम उन्हें हाथ से उठाते हैं तो हार्ड, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली हार्ड बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता है। बिकॉज क्यों होता है गैप नहीं, उनके पार्टिकल्स पास पास क्यों होते हैं? बिकॉज जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और गैप नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर हार्ड। एग्जाम्पल लिख देंगे हम इसके अंदर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी मेटल्स हो जाएंगे। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा इसका? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है, इट कैन बी कट, इट कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। नॉन मेटल्स क्या होती है? जनरली सॉफ्ट होती है या नॉट हार्ड हम कह सकते हैं, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा डायमंड। डायमंड नॉन मेटल्स है बट ये हार्ड होता है, या हम कह सकते हैं कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अर्थ। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ओनली एक डायमंड जो कि एक नॉन मेटल्स है बट ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम, डक्टिलिटी मीन्स होता है कि जो मेटल्स होती है उनको आप कितना लंबा, कितना और पतला पतला कर सकते हो। जैसे कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं यानी गोल्ड्स के, सिल्वर्स के, तो इनमें क्या होगा, उनको बहुत ही थिन, बहुत पतले पतले वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जनरली मेटल्स ही होते हैं, तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनको वायर में कन्वर्ट करने को ही कहा जाता है डक्टिलिटी, और मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। तो एग्जाम्पल लिख देंगे या यहाँ लिख देना आप, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल इन नेचर, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर, ये सभी इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबे वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी इतनी इसकी डक्टिलिटी रेंज होती है। एक ग्राम गोल्ड लेंगे तो कितना लंबा वायर बन जाएगा इसका, 2 किलोमीटर। फिर वैसे ही सिल्वर के अंदर भी होती है, कॉपर के अंदर भी होती है, आपने कॉपर के भी वायर देखे होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए या वायर्स बनाए जाते हैं उनके अंदर पतले पतले, बहुत सारे पतले पतले वायर्स या तार होते हैं कॉपर से। तो ये जनरल नेचर है मेटल्स का। जो नॉन मेटल्स होती है उन वो नॉन डक्टाइल होती है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर, बट जो कार्बन है, कार्बन के फाइबर्स बनाए जाते हैं, ये किसका एक्सेप्शन हो जाएगा, एक्सेप्शन कार्बन फाइबर। अब देखते हैं हम डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डक्टिलिटी एक और आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी, हम जो बल्ब, जो हम हमारे घर में बल्ब यूज करते हैं उनमें जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो वो भी बहुत पतले पतले वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक और एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हो टंगस्टन मेटल। अब देखते हैं हम डेंसिटी, जनरली जितनी भी मेटल्स होती है उनमें हाई डेंसिटी होती है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। इसका एक्सेप्शन हो जाएगा जनरली, अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आए कि मेटल्स के अंदर कौन से एक्सेप्शन है, तो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जनरली 90% सभी में एक्सेप्शन काम कर जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या होगी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है, लो डेंसिटी, इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा आपका। नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है ओनली डायमंड, बाकी अदर जितनी भी नॉन मेटल सब्सटेंस है उनकी बहुत कम डेंस। मींस जितनी भी मेटल्स है उनको आप हैमर, मेटल्स को विद द हेल्प ऑफ हैमर यानी हथौड़े से पीट पीट कर बहुत पतली शीट में, पेपर जैसी, कागज जैसी पतली शीट में कन्वर्ट करना ही कहलाता है मेलियाबिलिटी। तो मेटल्स के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, कैन बी कन्वर्ट इंटू थिन शीट, किससे बीट करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ हैमर।
इंटू थिन शीट बाय हैमर, जैसे हथौड़े से पीटते जाएंगे तो धीरे धीरे ये पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपने देखा होगा घरों की रूफ बनाने के लिए यूज करते हैं टीन की चद्दर, बहुत पतली पतली प्लेटें होती हैं। उसके अलावा हो जाएगा एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम फॉइल, है ना, फॉइल यूज करते हैं हम। चॉकलेट, मेडिसिन, इन सबके जो रैपर बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल मिलती है बाजार में। इसके अलावा आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल, जो स्वीट्स यानी मिठाई होती है उनके ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज की जाती है सिल्वर फॉइल, तो ये पेपर से भी पतली होती है सिल्वर फॉइल। तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे मेलियाबिलिटी के। एक्सेप्शन हो जाएगा यहाँ पर सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल्स। नॉन मेटल्स इनके पास क्या होगी, मेलियाबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मेलियाबल, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो नॉट। चलने मीन्स क्या होगा, ब्रिटल नेंस, यानी कि जब भी इनको मेटल्स को इनपे अप्लाई किया जाएगा बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स, तो जो चीजें ब्रेक हो जाती है उसी को कहा जाता है ब्रिटल। तो हम लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स क्या हो जाएंगी, ये ब्रेक हो जाना चाहिए। बट क्या होगा कि आप अपने घर में कोई सा भी मेटल्स की जनरली हमारे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, उनको आप फोर्स लगाइए, क्या वो टूट जाएंगे, नहीं टूटेंगे। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें ये वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ब्रिटल, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल इन नेचर जनरली। बस एग्जाम्पल में क्या लिख, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा इसका, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, डायमंड को हम फोर्स लगाकर बहुत ज्यादा अमाउंट में, नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाय अप्लाइंग फोर्स इसको इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ब्रिटल इन नेचर। करते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से, तो क्या होगा, तो इफ यू पास द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेटल या बाय द मेटल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, यानी कि जो मेटल्स रहेंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए कॉपर्स की वायर्स बनाए जाते हैं। एक्सेप्शन टंगस्टन वायर, तो जो मेटल्स होती है वो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम लिख देंगे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जनरली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की दोनों को ही गुड कंडक्टर होती है। एग्जाम्पल में आप कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये मेटल्स लिख सकते हैं, और एक्सेप्शन में आ जाएगा टंगस्टन वायर, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओनली एक्सेप्शन है इसका ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, और जो डायमंड होता है वो हीट का गुड कंडक्टर है। ये ध्यान रखना है दोनों ही अलग अलग है, ग्रेफाइट जो कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, दोनों ही एलोट्रॉप है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बट जो डायमंड है वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट MP and BP। तो इससे पहले के पॉइंट्स में हमने देखा है कि मेटल्स कैसी होती है नेचर, मेटल्स का नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है। तो यदि कोई भी चीज हार्ड है तो उसे आप कितना भी हीट प्रोवाइड कीजिए उसे मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम फिर मेल्ट होने में लगेगा बॉयल होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेटल्स का MP और BP यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कैसे होते हैं, जनरली हाई होते हैं, जनरली
हाई एमपी एंड बीपी। यहाँ पे बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आ जाएगा आयरन। आप घर पे आयरन के लिए प्रैक्टिकल मत कीजिएगा, वरना आपका गैस सिलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा, तब तक आपकी आयरन मेल्ट नहीं होगी और बॉइल नहीं होगी। और इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं हम। मर्करी क्या है, जनरली रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड स्टेट में मिलती है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है अदर मेटल्स की कंपैरिजन में। नॉन मेटल्स जनरली ये कैसी होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, दैट्स व्हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, लो होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरीन, और एक्सेप्शन सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड कार्बन, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या देखा हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हार्डनेस यानी मेटल्स कैसी होती है, जनरली हार्ड होती हैं। एग्जांपल आप आयरन, गोल्ड ये लिख सकते हैं, एक्सेप्शन में लिख दीजिएगा सोडियम मेटल्स, इसको हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ चाकू की मदद से भी इसे काट सकते हैं। नॉन मेटल्स में हो जाएगा दे आर जनरली सॉफ्ट। मेटल्स कैसी होती हैं, एक प्रॉपर्टी और छूट गई है वो देख लेते हैं हम। मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर, कैसी रहेंगी, सारी मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड। एग्जांपल आयरन, आयरन गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम, एक्सेप्शन में हो जाएगा मर्क्यूरी, एक्सेप्शन मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और हो जाएगा गैलियम, ये वैसे तो ये क्या रहेगा कि जैसे ही आप उसको अपने हथेली पाम पे रखेंगे ये धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आना। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स कैसी रहती हैं, तीनों स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। नॉन मेटल्स होती है वो हमें तीनों स्टेट में मिलेगी, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिलेगी। इसके बाद हमने देखा था ब्रिटल नेफल, मीन्स हथौड़े की मदद से यदि किसी भी मेटल्स को पीटते जाएंगे तो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, बट नॉन मेटल्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स उनको थीन वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एक ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल के केस में ये पॉसिबल नहीं है। डक्टिलनेस मीन्स जो मेटल्स होती है यदि आप उनपे अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स तो क्या वो ब्रेक हो जाएगी, नहीं होगी। तो मेटल्स क्या होती है, नॉन ब्रिटल इन नेचर, बट सोडियम मेटल है वो सॉफ्ट होता है, तो आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। नॉन मेटल्स के फॉर्म में क्या होगा, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स वी कैन ब्रेक इजिली नॉन मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी लस्टर, लस्टर मीन्स शाइनी प्रॉपर्टी। जो मेटल्स होती हैं वो सभी लस्टर होती हैं, सिर्फ लेड एक ऐसी मेटल है जो जिसका डल अपीयरेंस होता है। नॉन मेटल्स कैसी होती है, जनरली नॉन लस्टर इन नेचर। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है बट नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं, और नॉन मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही। जब भी मेटल्स को या आपस में दो मेटल्स को भी साउंड का साउंड प्रोड्यूस करेंगी, व्हेन मेटल्स, दो मेटल्स के बर्तन ले लीजिए, दोनों को आपस में टकराएंगे या मेटल्स को किसी भी डंडे या किसी और चीज से भी मारा जाएगा तो वो साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी को कहा जाता है सोनोरस प्रॉपर्टी। तो आप लिख देंगे आयरन, स्कूल में आपने बैल देखी होगी तो वो उसका कैसा नेचर होता है, जनरली साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वो मेटल्स की बनी होती है। नॉन मेटल्स कैसी होती है, नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस, वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती है। इसमें भी एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं सोडियम, एक्सेप्शन हो जाएंगे सोडियम, ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेगी।